हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। लेके आ गए नया वीडियो और आप देख रहे हैं आपका प्यारा चैनल लेटेस्ट नर्सिंग। साथियों, स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे वीडियो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के रिगार्डिंग बनाई जाए ताकि जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं सारी समझ में आ जाएँ। साथियों, काफ़ी स्टूडेंट्स के कमेंट आए थे और मैं आपको बताने वाला हूँ एक एक चीज़ बारीकी से, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे जो है यहाँ पे वेटिंग लिस्ट आएगी या नहीं आएगी उसके बारे में बताएंगे, ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, और जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं। सबसे ज़्यादा अदर स्टेट वाले पूछ रहे हैं कि अदर स्टेट वालों के लिए क्या ऑप्शन रहेगा, यहाँ पे टाइम दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा उनके लिए, क्योंकि उनके पास अदर स्टेट का जो है नर्सिंग रजिस्ट्रेशन है, तो वो क्या कर पाएंगे। वो सारी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। दोस्तों, जॉब के बारे में भी बताएंगे, कितनी अच्छी जॉब है ये, सैलरी कितनी अच्छी मिलने वाली है आपको, सारे जॉब इसके सामने फेल हैं, ठीक है। तो दोस्तों, सारी जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं इस वीडियो में जवाब देंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा ज़रूर हो सकता है, लेकिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली बात मैं आपको बताऊँगा, स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि जो फॉर्म थे वो हमें कहाँ से डाउनलोड करने हैं, यानी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स थे वो कहाँ से डाउनलोड करने हैं, यानी कि देशना पत्र प्रमाणीकरण। सबसे पहले आपको आयोग की वेबसाइट पे जाना है, यहाँ पे देख रहे होंगे ऑप्शंस एक्टिविटी डैशबोर्ड पे, यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करनी है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके पास जो यहाँ पे ऑप्शंस मांगे जाएंगे वो आपको भर देने हैं। उसके बाद दो तीन यानी कि चार डॉक्यूमेंट्स के ऑप्शंस मिलेंगे, उनमें से आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपका देशना पत्र प्रमाणीकरण पत्र, ठीक है, वो चीज़ मिल जाएंगे यहाँ पे। उसके बाद में आपको क्या करना है साथियों, जो देशना पत्र है उसमें आपको फ़ोटो लगाने हैं। फ़ोटो के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था कि पांच फ़ोटो आपके लिए होंगे यहाँ पे। पांच फ़ोटो कैसे होंगे, जिनमें दो फ़ोटो पे आपके साइन होंगे किसी भी अधिकारी के, जैसे आप मेडिकल ऑफिसर के उस पर साइन करवा सकते हो, ठीक है, और वहाँ पे SDM DM जो भी आपका जानकार हो, लेकिन अधिकारी होना चाहिए, उसके पास सील मोहर होनी चाहिए। वहाँ पे दो फोटो पे आपके जो है साइन हो जाएंगे, और जो तीन फ़ोटो हैं आपको कॉमन वाले लेने हैं। इस तरीके से पांच फ़ोटो आपके हो जाएंगे, ठीक है। टोटल फ़ोटो कितने हो जाएंगे, पांच फ़ोटो आपके जो है वहाँ हो जाएंगे। पांच फ़ोटो चाहिएंगे दोस्तों, लेकिन आप एक्स्ट्रा फ़ोटो ले जाएं ताकि कोई भी समस्या आ सकती है, इसलिए फ़ोटो हमेशा एक्स्ट्रा ही होना चाहिए। ये आपको फ़ोटो की बात होगी। साइन किसके बताए थे मैंने आपको, अगर आपकी जानकारी में कोई मेडिकल ऑफिसर है, कोई डॉक्टर है जिसके सील मोहर हैं, कोई अच्छा डॉक्टर है, ठीक है, जिसके पास सील या मोहर हैं, और मेडिकल ऑफिसर्स के साइन हो सकते हैं, SDM DM वगैरह जितने भी अधिकारी हैं किसी के भी साइन हो सकते हैं, वैलिड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये फ़ोटो की बात हो गई। फ़ोटो आपको देशना पत्र पर जो जिस तरीके से आपने कन्वेंशनल फॉर्म फिल किए थे अच्छे तरीके से, ठीक है, उस तरीके से ही आपको यहाँ पे भी करना होगा जो डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने बताए हैं। उसके बाद में काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि क्या क्या बहुत सारी परेशानियाँ हैं, यानी कि जो फीमेल्स हैं उनको पिता साइड से जो है अपना निवास और कास्ट सर्टिफिकेट में काफ़ी प्रॉब्लम्स हो रही थी। साथियों, मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, आपके पास जितने भी ना वो सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाएं आप, दोनों साइड से, पिता वाली साइड से, जो फीमेल्स हैं पिता वाली साइड से, और अपनी साइड से जहाँ पे उनकी शादी वगैरह हो गई है उस साइड से, ताकि वहाँ पे जितने भी नीड हो वो आप वहाँ पे जमा करवा सकते हो। जितने भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं, यहाँ पे बताया गया है दो सेट करके ले जाने हैं, तो आप कम से कम तीन से चार सेट बनाएं, जिससे किसी भी डॉक्यूमेंट्स में कोई भी कमी ना रह जाए, पूरा काम करके चलें अच्छे तरीके से। अपने साथ में एक अटेंडेंट, यानी कि अपने साथ में एक एक्स्ट्रा होना चाहिए, किसी भी चीज़ की नीड पड़ सकती है फोटोकॉपी वगैरह की, तो उसको साथ रखें। ऐसा नहीं है कि आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अकेले ही चले जाएं, ठीक है, क्योंकि काफ़ी परेशानियां होती हैं। उसके बाद में काफ़ी स्टूडेंट्स पूछ रहे थे डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, क्या क्या कंडीशन है। डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ क्या क्या लगेंगे इसमें। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया था, वहाँ से आपको जो मैंने बताया था डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाले डाउनलोड कर लेने हैं, उसमें आपको फ़ोटो वगैरह लगा के अच्छे से जहाँ पे साइन करने के लिए बोला है वहाँ पे आपको साइन करने हैं, साइन जरूर करना है सेल्फ अटेस्टेड करने के बाद में, ठीक है, जिससे कंफर्म हो जाएगा। और ये छोटी छोटी गलतियाँ आप करना नहीं है, ठीक है। उसके बाद में ये जो मैंने आपको बताए थे पत्र प्रमाणीकरण पत्र, ये आपको वहाँ से डाउनलोड हो जाएंगे। उसके बाद में काफ़ी लोगों को समस्याएँ हो रही थी रोल नंबर देखने में, कि रोल नंबर कैसे देखें। काफ़ी स्टूडेंट्स कमेंट कर रहे थे
कि मेरा रोल नंबर इतना है तो मुझे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कब जाना होगा। साथ ही नॉर्मल सी बात है, इसमें आप देख सकते हैं आपका किस डिपार्टमेंट से था, KGMU वाले से था या फिर जो महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं से था, जिससे भी रिलेटेड था उसमें आप देखिए, ठीक है। उसके बाद में आप अपने रोल नंबर यहाँ पर देख सकते हैं कितने कितने से रेंज में था, और यहाँ पर आपको डेट दे रखी है, इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी, ठीक है। अब आपको मैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में बता देता हूँ, डॉक्यूमेंट्स के बारे में मैंने आपको पहले कौन कौन डॉक्यूमेंट्स देंगे आपको दो सेट बताए, लेकिन आपको 3 से 4 सेट प्रिपेयर करने हैं अच्छे तरीके से। यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ रही थी जो कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में पूछ रहे थे लोग। कास्ट सर्टिफिकेट में के बारे में देखिए, यहाँ पे 6 नंबर पे अच्छे से लिखा हुआ है, आरक्षण संबंधी अर्थन प्रारूप पर जाति गौड एवं नायक, जो उत्तर प्रदेश के गौड एवं नायक हैं, अनुसूचित जनजाति के संबंध में प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे इस स्पेशल कास्ट के बारे में बताया है, इसमें बताया गया कि 6 माह से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए। और अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो जॉब का सिस्टम होता है, कोई जॉब वैलिडिटी मांगती है डॉक्यूमेंट्स की, लेकिन इसमें लिखा हुआ नहीं था ऐसा। और उत्तर प्रदेश में 3 साल तक जो है कास्ट और जो है डोमिसाइल आपका वैलिड होता है, लेकिन किसी के पास हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे ये बताया गया है आरक्षण संबंधी अद्यतन प्रारूप पर जाति गौड़ एवं नायक उत्तर प्रदेश के अनुसूचित जनजाति के संबंध में प्रमाण पत्र 6 माह से अधिक पुराना हो। तो ये चीज़ OBC वालों के लिए नहीं है, अदर कैटेगरी वालों के लिए नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे जो लिखा हुआ है उनके लिए ही है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे उत्तर प्रदेश नर्सेज एवं मिडवाइफरी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, देखिए एक चीज़ मैं आपको यहाँ सीधा सीधा बताऊँगा, जिस तरीके से आयोग ने अदर स्टेट वालों को लिया है तो डेफिनेटली काफ़ी कैंडिडेट ऐसे हैं जो अदर स्टेट से हैं, तो सीधा सीधा मतलब ये है कि वो कुछ ना कुछ आपके लिए टाइम जरूर देंगे, यहाँ पे आपको टाइम मिलेगा और मिल भी रहा है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है, आप अभी से अप्लाई करने के लिए डाल दें, आपको पता होगा कम से कम अच्छी जानकारी होती है तो कम से कम 1 महीने का टाइम तो लग ही जाता है, 1 महीने का टाइम लग जाएगा, इसलिए आप अभी डाल देते हैं डाल दो जिससे आपका, और वहाँ पे जितना टाइम देते हैं 1 महीने का 2 महीने का मिनिमम टाइम आपको मिल जाएगा, 2 महीने का टाइम वहाँ पे मिल जाएगा तो आपका आसान ही तरीके से ये जो है काम हो जाएगा। आप वहाँ पे थोड़ी रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं और वो खुद ही दे देंगे, क्योंकि आयोग ऐसा है ये, इसमें जो वैलिडिटी है वो सारी चीज़ें अच्छे तरीके से देखते हैं, इसीलिए जो वैलिड और अच्छे तरीके से जो स्टूडेंट्स थे उनको यहाँ पे सिलेक्ट किया है, जिन स्टूडेंट्सों ने गलतियाँ की हैं और जो एलिजिबल नहीं थे उनको पहले ही हटा दिया है, जहाँ पे उन कैंडिडेट को लिया है जो एकदम एक्यूरेट हैं, अच्छे नंबर हैं और सारी चीज़ एकदम सही की है उन लोगों ने, उन लोगों को यहाँ पे सिलेक्ट किया है, क्योंकि आपको पता है 1700 कुछ वैकेंसियाँ खाली रह गई हैं जो कि अच्छे स्टूडेंट्स नहीं मिल पाए, जो एलिजिबिलिटी उनकी अच्छी नहीं थी, ठीक है। इस तरीके से तो आयोग ने आपको सिलेक्ट किया है, तो आप में कोई भी कमी नहीं है, आप जो है अपने जिस तरीके से आपने प्रिपेयर पहले कन्वेंशनल फॉर्म जिस तरीके से भरा था उस तरीके से आप भरें, कोई भी परेशानी नहीं होगी आपको। और जो अदर स्टेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी यहाँ पे कोई परेशानी नहीं होगी, यहाँ पे टाइम मिल जाएगा आपके लिए, 1 महीने का देंगे या फिर 2 महीने का देंगे, वो आसानी तरीके से जो है यहाँ पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। और जो परेशानियाँ थी, बहुत सारी परेशानियाँ बता रहे थे, पूछ रहे थे पिता साइड से जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो किस तरीके से मिलेगा, तो साथियों दोनों साइड से कास्ट सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं आप, पहला कास्ट सर्टिफिकेट होगा और पिता साइड से जो कास्ट सर्टिफिकेट है, फीमेल्स की स्पेशल बात कर रहा हूँ मैं, तो वो ले जा सकती हैं दोनों को ही, जिससे वहाँ पे किसी भी कैसा भी मांगे उनके लिए दे दिए। आपके पास जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स एक बार अपने साथ ही ले जाएँ, किसी भी डॉक्यूमेंट्स की वहाँ पर नीड पड़ सकती है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे लोग पूछ रहे थे कि ज्वाइनिंग कब तक हो जाएगी, देखिए साथियों ज्वाइनिंग के बाद में मैं आपको बताऊँगा यहाँ पे, अभी तो आपको इस महीने डॉक्यूमेंट्स होगा, इस महीने के लगभग यहाँ पे 2 महीने आप मिनिमम 2 महीने मान के चलिए, ठीक है। लगभग आपकी जो ज्वाइनिंग है मार्च में, क्योंकि अभी तो आपको पता है चुनाव आने वाले हैं, चुनाव के बाद में, तो यहाँ पे मिनिमम जो टाइम है आपको 2 महीने टाइम हो जाएगा तब आपको ज्वाइनिंग मिल जाएगी। और इसकी सैलरी के बारे में दोस्तों मैं बताना चाहूँगा, ये इतनी अच्छी जॉब है, आपको इस जॉब के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा लेकिन अब पता लग जाएगा, लेकिन जॉब ये इतनी अच्छी है, UP की है, और इसमें जो सैलरी आपको मिलने वाली है एम्स के बराबर सैलरी आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और आपकी जो जॉब लोकेशन है, एक चीज़ यहाँ पे जो KGMU वाले कैंडिडेट हैं उनकी जॉब KGMU में रहेगी लखनऊ में, लेकिन अदर जो जॉब हैं उनका ट्रांसफ़र यहाँ पे लगभग पॉसिबल है, लेकिन KGMU वाली का
क्योंकि अदर हॉस्पिटल नहीं है केजीएमयू वाला, तो उसी में रहेगी आपकी जॉब। लेकिन जो अदर स्टेट वाले हैं, वो सॉरी अदर विभाग वाले हैं, उनकी वहाँ पे जॉब का जो है ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, सैलरी क्या रहने वाली है? सैलरी के बारे में दोस्तों आप सुनेंगे तो खुश हो जाएंगे। यहाँ पे आपको पता होगा 44,900 उसकी जो बेसिक है, लेकिन सब कुछ मिला के जो इसकी सैलरी बन रही है साथियों, 65,000 से ऊपर ही आपकी जो है सैलरी बन रही है, जो कि काफ़ी अच्छी सैलरी है। आप लोगों ने अंदाज़ा भी नहीं लगाया हुआ। ठीक है, तो यूपीपीएससी आयोग बहुत अच्छी जॉब है। काफ़ी लोगों का यह सपना होता है यूपीपीएससी आयोग में जॉब करने का, लेकिन आप लोग बहुत अच्छे हो, आपने मेहनत की, अपनी मेहनत का फल पाया। आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हो। तो साथियों, मुझे लगता है कि आपको कोई भी जो है यहाँ पे कन्फ्यूज़न नहीं रही होगी, और कोई भी कन्फ्यूज़न है मैं आपको अच्छे तरीके से उसका रेस्पॉन्स देने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कोई भी परेशानी हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। ठीक है साथियों, मैंने बहुत सारी बातें आपको बता दी, फिर भी अगर कोई आपके पास कोई भी कन्फ्यूज़न है, कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, उस चीज़ का मैं आपको लिए यहाँ पे आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है साथियों, अभी के लिए इतनी जानकारी काफ़ी है। नेक्स्ट अगर कोई भी दिक्कत होती है तो मैं आपके लिए दूसरा वीडियो बनाऊँगा, जिसमें आपको सारी जानकारी दोबारा से बता दूँगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी से लेके आते हैं। और दूसरी बात, काफ़ी स्टूडेंट पूछ रहे थे जो इसकी कट ऑफ है, कितने मार्क्स किस लोगों के आए हैं, कितने कितने पे क्या हुआ है, तो वो कुछ ही दिनों में, एक दो दिन में आपके यहाँ पे जो है लिस्ट डाल दी जाएगी, और जल्दी से मैं आपको बता दूंगा। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि जितनी भी अपडेट होंगी इससे रिगार्डिंग मैं आपको अच्छे तरीके से बताऊँगा। ठीक है साथियों, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो जल्दी से लेके आते हैं। धन्यवाद।